पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जबरदस्ती पिंटू वाल्मीकि के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मारपीट में अन्य लोग भी घायल हुए, लेकिन हत्यारों पर पुलिस 302 की धारा नहीं लगा रही। असली मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किए गए। इस पर क्षेत्रीय लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिंटू वाल्मीकि अपने रिश्तेदार के घर लोदीपुर गया था। डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे, लेकिन अपने मनपसंद गाने बजाने को लेकर नाराज होने लगा। गाना नहीं बजाया गया तो मारपीट करनी शुरू कर दी और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए प्रदर्शन किया गया। चार लोग घायल हुए थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो वो घायल हुए थे उन लोगों ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन उनको घायल करके भगा दी गया, वो भाग गए। लेकिन मेरे पति को रूम में बंद करके मारा गया था। अगर जब पुलिस के बस की बात नहीं है, मैंने तो उनको बोल दिया था और अभी भी मैं यही बोल रही कि वो या फिर वो पकड़ा जाए तो प्लीज कृपया करके ध्यान दे के मेरे हाथ जोड़े की लाश रखे, वो कातिल को मेरे सामने कर दें। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ने तेरा बिगाड़ा क्या? वो मेरे पति इतने सीधे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना जानते वो। अभी तो मेरी शादी को 1 साल हुआ था, 1 साल में झगड़ा उगड़ा, वो सब लोगों ने मेरे पति को मिलकर मार दिया। 18 जून को लोदीपुर राजपूत में पिंटू वाल्मीकि का मर्डर कर दिया गया था। वो वही एन स्पॉट मारा गया था, घर में घुस के मारा था, जबकि वो मेहमान एक जन्मदिन में गया हुआ था। डीजे के मनपसंद गाने के लिए दबंगों ने उसे मार मार के उसे दम निकाल दिया। दो घायल भी हुए, लेकिन पांगवाड़ा पुलिस की बेरहमी और बेशर्मी देखो कि वो 304 में मुकदमा कर रही है, जबकि मरने वाला एन स्पॉट मर गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका ये कॉलर टूटा हुआ है, एथलीट से बोलते हैं, और गले पे उसके निशान है, किसी चीज से दबा के पैर रखते हुए मारा गया है। तो हमारा मानना यह है कि वो लोग धमका रहे हैं परिवार को, पीड़ित परिवार को, उनकी सुरक्षा की जाए, 302 में मुकदमा कायम हो गए, तरमीन हो गए और उचित मुआवजा दिया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।